कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन जारी है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान न हो, इसके लिए अब शिक्षकों ने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कोटा में एएसडी एकेडमी के निदेशक तपन कुमार झा ने अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। तपन का कहना है कि वो केवल देश के छात्रों को नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी एकेडमी से जुड़े छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में किस तरह से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इस बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसके लिए अब टीचर्स ने ऑनलाइन उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कई जगहों पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। हालांकि इसमें भी पूरा लॉकडाउन का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस समय मैं खड़ा हूँ तपन कुमार झा, जो एएसडी एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। पूरा उन्होंने सेटअप तैयार कर रखा है। पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं, और साथ ही उनको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की भी उनको तरीके बताए जा रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, आपको जो भी स्टडी की जरूरत है आपको ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन पुट अप करने हैं वो आप क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो केवल इंडिया के ही नहीं, सबसे खास बात यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे दुबई के, नाइजीरिया के भी बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, ताकि वो अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर सके। सीधे इनसे बात करेंगे। और तबन, लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आप लोग बच्चों को उनकी पढ़ाई पे कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ा रहे हो, किस तरह की व्यवस्था आपने रखी, किस तरह का सेटअप तैयार किया है? जी, जैसे लॉकडाउन जो है ये से बताया जा रहा है कि आगे भी चलेगा, और जैसे आपने स्थिति देखी है अभी तो काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है अभी इंडिया की, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों के एजुकेशन का बड़ा लॉस हो रहा है। और ये जो है एक्चुअल में आपका जून तक सारे कोर्सेज वाइंड अप करने होते हैं पर नहीं हो पा रहे हैं, और बच्चे ना आ पा रहे हैं क्लासेस के लिए, तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करा है जिसके अंदर कोई बच्चा घर बैठ के भी उसके अंदर स्टडी कर सकता है। हम जितने भी लाइव क्लासेस चल रही है हमारी, उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ में उनको पहले लाइव क्लासेस का मौका मिल रहा है, और उसके उसका बैकअप के लिए बच्चों का रिविजन करना है तो उसी क्लास की रिकॉर्डिंग उसके अकाउंट के अंदर मिल जाता है। देश के अलावा और कितनी कंट्रीज है जहाँ से ऑनलाइन बच्चे आप लोगों से पूरी जानकारी ले रहे हैं? अभी हमने इंडिया के साथ साथ में नाइजीरिया स्टार्ट करा है, नाइजीरिया के अलावा यूएई है हमारा, यूएई के अंदर अपना कतर हो गया, उसके अलावा दुबई हो गया, उसके अलावा गाना को हमने टारगेट करा है, गाना से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसके अलावा यूएस से भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इस यूएस और यूके के स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं हमसे, अभी रिसेंटली हमने चाइना के स्टूडेंट्स के लिए भी लॉन्च करा है। मतलब हम लोग ये कोई बाउंड्रीज नहीं कर रहे कि कौन सी कंट्री नहीं, हम सारे बच्चों को अलाउ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। वो जरूरी जो स्टडीज हैं वो लगातार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के जरिए मुहैया कराई जा रही है, ताकि वो घर बैठे परेशान ना हो, और जो उनके कोर्स छूटे हुए हैं वो लगातार यहाँ पर रेगुलर जारी रहें, ताकि आने वाले टाइम पे जब लॉकडाउन खुलता है तो उनको स्टडी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, एवन टीवी, कोटा।